ये कायराना हरकत है अपराधियों की, कायर की तरह अपराधियों ने यह हमला किया है और आपको नतीजा इसका सामने आएगा। कानून क्या चीज होती है, सिस्टम क्या चीज है, सरकार क्या चीज होती है, ये उन कायरों को बहुत जल्दी पता चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। छपरा में अपराधियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए एसआई मिथिलेश कुमार और उनके साथ शहीद सिपाही फारूक को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे छपरा पहुंचे और वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ वहां से अपराधियों को खुला मैसेज दे दिया है कि जो अपराधी अब समझ रहे हैं कि वो पुलिस पर हमला कर सकते हैं तो वो सचेत रहें क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सीधे सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करने की भी बात उन्होंने की है जिनके पास हथियार के लाइसेंस है लेकिन वो गलत तरह के गतिविधियों में संलिप्त। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। ये हमारा नेचर जॉब है, हम अपराधियों से लड़ते हैं और सहायता होती हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी लाइसेंस धारी हैं उनके परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइसेंस का दुरुपयोग कर सकता है, हथियार का दुरुपयोग कर सकता है, तो ये केवल छपरा में नहीं संपूर्ण बिहार में ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके और 2 से 3 महीने के अंदर ऐसे सारे अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा भेजी जाएगी और सारे ऐसे हथियार जो गलत लोगों के हाथ में है, क्योंकि इसमें हम लोगों को जो जानकारी है उसमें लाइसेंसी हथियारों का भी प्रयोग हुआ है, तो हम इसकी पूरी संपूर्ण सूबे में जांच कराएंगे कि किन किन गलत लोगों के हाथ में या गलत परिवार के हाथ में कोई भी लाइसेंस है, सब लोगों की अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा जाली लाइसेंस बना करके नागालैंड से और जम्मू कश्मीर से और बाहर के कुछ प्रदेशों से हजारों की संख्या में बिहार में लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं लोग, जो वस्तुतः है नहीं लाइसेंसी, वो गैर लाइसेंसी है, तो एक इसका अभियान चलाएंगे कि जितने भी नागालैंड और कश्मीर और बाहर के राज्यों से लाइसेंस निर्गत किए गए हैं वो सारे लोगों का हथियार जमा कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमारी टीम जम्मू कश्मीर जाएगी, हमारी टीम नागालैंड जाएगी और एक एक ऐसे हथियार हम पुलिस के लोगों से अपील करते हैं कि जात पात गुटबंदी से ऊपर उठ करके अपराधियों के खिलाफ शंखनाद करने का ये समय है और बिहार की 12 करोड़ जनता को जात पात से ऊपर उठ करके अपराध की संस्कृति के खिलाफ पुलिस के साथ खड़ा होना होगा, तब बिहार में शांति अमन चैन का राज्य होगा और सर्वत्र सुशासन है। ये कायराना हरकत है अपराधियों की, कायर की तरह अपराधियों ने यह हमला किया है और आपको नतीजा इसका सामने आएगा। कानून क्या चीज होती है, सिस्टम क्या चीज है, सरकार क्या चीज होती है, ये उन कायरों को बहुत जल्दी पता चला। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी भावुक हो चुके थे जब वो बयान दे रहे थे और बयान देते देते उन्होंने अपराधियों को खुला मैसेज दे दिया। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।